हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि डार्क एरियाज, डार्क स्किन कितनी बुरी लगती है जब हम कहीं जाते हैं बाहर। हमारी बहुत से आपने देखा होगा कि नेक, बैक से नेक हमारी जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, बहुत बुरी लगती है डीप नेक जब हम पहनते हैं। इवन अंडर आर्म्स में हम चाहे अपना रिमूव भी करा लेते हैं, वैक्स भी करा लेते हैं अंडर आर्म्स में, बट जो स्टेन है, जो दाग होते हैं, ब्लैक कलर की डल स्किन होती है, वो तो रहती है। बट जब हम कहीं बाहर जाते हैं, लाइक किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हैं और हमने स्लीवलेस पहना हुआ है, चाहे हमने वैक्स करवा रखी है, बट जो वो डल स्किन है, ब्लैक स्किन है, वो बहुत बुरी लगती है, बहुत गंदी लगती है, बहुत शेम फील होती है उस टाइम। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम या तो स्लीवलेस अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा डल और ब्लैक हो जाती है, जिस वजह से हमें अपने जो ये स्लीवलेस सूट्स होते हैं वो भी अवॉइड करने पड़ते हैं। बट अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक रेमेडी लेके आई हूँ जो बहुत आसान है, बहुत सबके घरों में ये दोनों सामान मिलने वाला है, जिससे आपकी जो अंडर आर्म्स के अंदर जो ब्लैक स्किन हो जाती है, स्टेन हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। इवन आप इस रेमेडी को जहाँ पर भी आपके स्कार्स वगैरह हैं, कहीं भी दाग धब्बे हैं, वहाँ भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन अंडर आर्म्स में ही नहीं, आप नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों पैरों पर कहीं भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे दिखाई देते हैं आपको जो बुरे लगते हैं, उस जगह पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। दोनों ही जो सामान है आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेमन लिया है मैंने और ग्लिसरीन, ये दोनों ही चीज़ें मोस्टली सबके घर में होती हैं। जिनके पास ग्लिसरीन नहीं है, बहुत सस्ती सी है, किसी भी केमिस्ट शॉप से भी मिल जाती है, किसी जनरल स्टोर से भी आपको इजीली मिल जाती है। ओनली 50 रुपीज़ की है और बहुत टाइम तक ये चल जाती है, बहुत टाइम तक ये चल जाती है। और आप देख सकते हैं ये पैकेजिंग इसकी ग्लिसरीन की इस तरह की होती है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ग्लिसरीन की 3 ईयर की होती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाली है। तो आप ग्लिसरीन को अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों से हम घर एक चीज़ बनाएंगे इन दोनों से, जिससे आपकी जो अंडर आर्म्स की स्किन है वो बहुत क्लीन होने वाली है। कहीं भी जाना है आपको तो आप इसे यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ मैंने हाफ लेमन ले लिया है और आपको इसके सीड निकाल लेने हैं। सीड क्यों निकालने हैं? अगर आप अंडर आर्म्स में से अप्लाई करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए इसके जो सीड्स हैं वो पहले निकाल लें। तो यहाँ मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और अब इस पर आपको 2 या 3 ड्रॉप्स आपको ग्लिसरीन की ऐड करनी है। यहाँ मैंने ग्लिसरीन भी डाल दिया है और अच्छे से इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से आपको स्प्रेड कर लेना लेमन पर, ताकि ये इधर उधर ना जाए। अपने फिंगर से आप इसको स्प्रेड कर लें इस तरह से, ये अंदर तक जो ग्लिसरीन है ये अंदर तक चली जाएगी। और जिस भी एरिया पर आपकी अंडर आर्म्स हो गई या नेक हो गई, या जहाँ भी आपको ब्लैक लगता है, आपकी स्किन जो है वो ब्लैक हो गई है, डल हो गई है, कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो इस एरिया पर आपको अप्लाई करना है। अंडर आर्म्स के लिए तो बहुत बेस्ट है, जिनकी ब्लैक अंडर आर्म्स हो गई हैं वो इसे जरूर ट्राई करके देखना। आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, आप नहाने से पहले इसे यूज़ कर लें और थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, देन आप इसे वॉश कर लें। आप जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं, लाइक रक्षाबंधन, तो आपको अगर अपनी स्लीवलेस कोई ड्रेस पहननी है और आपके बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स ब्लैक हो गए हैं, तो आप इसे 10 डेज इसे यूज़ करके देखें, आपकी जो ब्लैक स्किन है वो दूर हो जाएगी और आप अपनी स्लीवलेस ड्रेसेस जो हैं वो भी पहन पाएंगे। तो बहुत अच्छी, बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं ये दोनों। ये दोनों ही एक्सफोलिएट करने का काम करती हैं। लेमन जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है। एक बहुत अच्छा जो ब्लीचिंग इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो ग्लिसरीन है वो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगी, आपकी जितनी भी कहीं भी प्रॉब्लम है उसको हील करने में प्रिवेंट करेगी। सो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आपको यूज़ करें। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।